फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब सही हो गए। तो फ्रेंड्स, हालांकि ये जो वीडियो है मैं बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब का भी नया अपडेट आ गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। फ्रेंड, आप में से कई सारे लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, सिर्फ अगर हम लोग नया यूट्यूब चैनल खोलते हैं और अगर हम उस पर एडमोब का एड्स लगाते हैं अपने वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, तो वो जो वीडियो है उसका जो वॉच टाइम होता है वो हमारे 4000 आवर्स के वॉच टाइम में काउंट होता है या नहीं होता है। तो आप में से कई सारे लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा डाउट है, मतलब हद से ज़्यादा। मैं मानता हूँ इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो बना लिया है, बट मैं जो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ वो कोई नहीं बताया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे मैं बिना टाइम गवाए वीडियोस को स्टार्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं से अगर आपका एक नया यूट्यूब चैनल है और आप अपने वीडियोज को प्रमोट करा रहे हो गूगल एडवर्ड से, और कहीं से भी नहीं, सिर्फ गूगल एडवर्ड से आप प्रमोट करा रहे हो अपने वीडियोज को, और आपका जो वीडियो है वो वीडियो उसमें आपके जैसे कि 1000, 10000, 1 लाख तक व्यूज आ चुके हैं, तो आपका जो व्यूज है वो वॉच टाइम में काउंट होगा, यानी 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम होता है उसमें वो काउंट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर बता दूं, यूट्यूब ने रिसेंटली एक अपडेट भी किया है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन था। तो यूट्यूब ने पहले से इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किया हुआ है से अगर आप 4000 आवर्स का वॉच टाइम को पूरा करना चाहते हो तो वो आपके पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए, पब्लिक यूजर होने चाहिए, जो आपके एक्टिव यूजर्स हैं वही आपके जो वीडियोस को देखते हैं, या फिर मैं कहूँ तो जितने भी वीडियोस आते हैं एक्टिव यूजर्स वो आपके वीडियोस को देखेंगे, तभी आपका वॉच टाइम में वो इंक्लूड होता है, वो वॉच टाइम इंक्लूड होता है। अगर आपका वीडियो कहीं से भी वो प्रमोट किया हो, चाहे वो आप गूगल एडमोब के थ्रू करो, चाहे वो आप किसी भी तरीके से करो, तो आपका जो वीडियो है वो काउंट नहीं होगा वॉच टाइम में, वॉच टाइम वो काउंट नहीं होगा, वो वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो मैं आप सभी को क्लियर मेंशन कर देता हूँ, अगर आपको अपना वीडियोस गूगल एडवर्ड के थ्रू अगर आपको प्रमोट करवाना है तो आपका जो वॉच टाइम है वो इंक्लूड नहीं होगा वो वीडियो का, बाकी सबका। इसका मैं आप सबको एक फ़ायदा भी बताता हूँ, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। अगर आप फॉर एग्जांपल एक वीडियोस को गूगल एडमोब के थ्रू प्रमोट कराते हो 1000 रुपये में, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस होता है, आप 500 में भी करा सकते हो, 1000 रुपये में आपने अगर प्रमोट कराया अपने गूगल एडमोब से अपना यूट्यूब चैनल को, अपने वो वीडियो को प्रमोट कराया, तो उसमें अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 10000 या फिर 1 लाख व्यूज आ गए तो आपके जितने भी वो व्यूज है वो काउंट नहीं हो गए, आपके वो जो वीडियो है उस वो वीडियो में उसके जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं हो गए, 4000 आवर्स के वॉच टाइम में वो काउंट नहीं होंगे। बट यहाँ पे मैं आपको फायदा बताता हूँ, उसके बाद आप जो वीडियो पब्लिक करोगे, बाद में जो वीडियो आप पब्लिक करोगे उसको अगर आप गूगल एडमोब के थ्रू प्रमोट नहीं करते हो तो आपके जो जितने लोग ने वो प्रमोट वाला जो वीडियो देखा है ना, वो वाला वीडियो फिर से अगर आपके दोबारा देखेंगे और आपका जो कंटेंट है वो लोगों को पसंद आएगा ना, तो आपका यूट्यूब चैनल या फिर मैं कहूँ तो आपका वो जो वीडियो है खुद से फ्री में प्रमोट होगा। तो इसको आप ध्यान से दिमाग में नोट करके रख लेना, आपको अगर अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट कराना है तो आप करा सकते हो, अगर आपके पास पैसा है, मनी है, तो आप अगर करना चाहो तो करा सकते हो, पर मैं आप सभी को कोशिश करूंगा, मैं आप सभी को अपना ओपिनियन दूं तो आप प्रमोट ना कराओ तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अगर आपका एक बिजनेस है, आप जल्दी से ग्रो करना चाहते हो, आपके पास कुछ पेशेंस नहीं है, आप अगर पेशेंस नहीं रखना चाहते हो, तुरंत ग्रो होना चाहते हो, तो आप यूट्यूब चैनल को प्रमोट करा सकते हो, क्योंकि अगर आप 500,000 रुपये लगा देते हो अपनी वीडियोस को प्रमोट कराने के लिए गूगल एडवर्ड से, तो आपका जो क्या होता है, आपका जो वीडियो है वो प्रमोट हो जाता है, आपके YouTube के सर्च रिजल्ट में सबसे टॉप पे आएगा प्रमोट वाला वीडियो, आपका वीडियो, उसके बाद Google एक एक करके उसको प्रमोट करेगा आपके वीडियोस को। वो ड्यूरेशन होता है जैसे कि 5 दिन के लिए आपको प्रमोटर करवाना है या 10 दिन के लिए करवाना है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है, और अगर आप पेमेंट कर देते हो और आपका यूट्यूब चैनल प्रमोट हो जाता है और प्रमोट होने का डेट भी खत्म हो जाता है, उसके बाद आप जितने भी वीडियोस अपलोड करोगे
उसमें जितने भी यूजर्स आएंगे वो प्रमोट में से ही आपके यूजर्स आएंगे। तो ये बात नोट करके रख लेना, प्रमोट करना एक तरीके से सही भी है। फ्रेंड यहाँ पे मैं आप सभी का एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल आपका एक यूट्यूब चैनल है और आप में आपने उस YouTube चैनल में एक वीडियो को प्रमोट किया, प्रमोट करने के बाद आपने इन मतलब गूगल एड्स को दिए 1,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, आप कितने भी दे सकते हो वो डिपेंड करता है आपके पास पैसे कितने हैं। तो आपने फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये गूगल एड्स को दिए प्रमोट करने के लिए अपना वीडियोस को, 5 दिन के लिए आपने अपना वीडियो को प्रमोट किया, 5 दिन तक आपका वीडियो प्रमोट होते रहा और उसमें आए 10,000 तक व्यूज आ गए। 10,000 तक व्यूज अगर आएंगे आपके वीडियोस पे, वो वाले वीडियो पे जिसपे आपने प्रमोट कराया है, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जैसे कि 4,000-5,000 एक्टिव यूजर्स आपके उस वीडियो से आपके YouTube चैनल पे आ जाएंगे। तो आपके वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस को देखेंगे, तो उसके बाद अगर उनको कंटेंट पसंद आता है तो आपके वीडियोस को वो सब्सक्राइब करेंगे, आपके मतलब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी आपके वीडियोस को देखेंगे। तो उसको आप समझिए, आप अगर प्रमोट कराना चाहो तो आप करा भी सकते हो, और अगर आप नहीं कराना चाहो तो आप अपने मेहनत से भी अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको मतलब ओपिनियन दूंगा, आप प्रमोट मत कराओ, पर एक तरीके से आप प्रमोट करा भी सकते हो अपने YouTube चैनल को, और उसमें जितने भी सब्सक्राइब रहेंगे ना, आप जैसे कि 10,000 लोगों ने आपका वीडियो को देखा, तो उसमें आप 5 दिन तक आपने वीडियो को प्रमोट कराया, तो 6 दिन में आप जो वीडियो अपलोड करोगे, 6 दिन से अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करोगे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो अगर आपके वो वीडियो पे कम से कम आपने पहले प्रमोट किए वीडियो पे आपने 10,000 तक व्यूज आए, तो वो वीडियो पे आपके कम से कम 1,000-2,000 तक भी व्यूज आ सकते हैं। तो ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा, उसके बाद YouTube आपके वीडियो को खुद से प्रमोट करेगा, आपको सिर्फ इन्वेस्ट एक मतलब 1,000 रुपये तक करना होगा। अगर उसके बाद आप अगर कोई भी कंटेंट अपने YouTube चैनल पे डालते हो तो आपका YouTube चैनल खुद से प्रमोट होगा। मैं आप सभी को बता दिया, इस डाउट को क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट था, मतलब हद से ज़्यादा, और इसी पे सबसे ज़्यादा बवाल उठा है 2020 में। तो मैं आप सभी को बता दिया से 4000 वॉच टाइम में अगर आपके एक्टिव यूजर्स जितने भी रहेंगे, एक्टिव सब्सक्राइबर्स या फिर मैं कहूँ तो एक्टिव व्यूवर्स, जितने भी आपके वीडियोस को एक्टिव देखेंगे, वो कहीं से भी मतलब ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वीडियो अनलिस्ट में है या फिर प्राइवेट में भी अगर आपने रखा है, ध्यान से सुनेगा, अगर आपका वीडियो प्राइवेट में भी है ना, तो आपका जो वॉच टाइम है वो 4000 वॉच आवर्स में ऐड नहीं होता है। आपका पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए, पब्लिक मतलब कि आपका वीडियोस को पब्लिक रहना चाहिए और आपका वीडियो कोई भी प्रमोट नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब भी आपके वॉच टाइम उसमें ऐड होते हैं। तो अभी तक मैं आप सभी को आपका डाउट क्लियर कर दिया, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आप सभी के लिए और नए नए वीडियोस अपलोड करके आप सभी को देता रहूँगा। फिलहाल के लिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा टॉपिक से कमेंट कर दीजिए। फिलहाल के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए टेक्नोलॉजी सही।